अस्सलाम वालेकुम व्यूअर जी, बस हम मार्केट पहुँचे हैं और व्यूअर एक बड़ी सैड बात है और बड़ी अफसोसनाक लगे ये, वो आपको जाके यहाँ पर बैठ के आपको उसकी तफसीर बताऊँगा। और मैंने कहा चलो वीडियो को यहीं से आगाज़ करता हूँ और मज़ीद आगे चल के आपको वो अफसोसनाक वाक्य क्या हुआ है वो भी बताता हूँ। तो चलते हैं साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, पर चलें ये हमारे दोस्त हैं जनाब और असल में आज बैठे हुए थे ड्यूटी ऑफ की, तो ड्यूटी ऑफ करने के बाद हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से वापस आए, बड़े सैड से थे। मैंने कहा चलो आज उनको बाहर लेके चलता हूँ। सोचना ये है कि उनके वाले सब की डेथ हुई और पाकिस्तान गए, फिर वहाँ जा कर के वन वीक के बाद तकरीबन उनके चाचू की भी डेथ होगी। मुझे बहुत बड़ा सदमा हुआ, बड़े अफसोस की बात है। अभी वापस आए तो बैठे हुए, तो मैंने उनको ज़बरदस्ती मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। मैं अपने व्यूअर से भी शेयर करूँगा, आप भी इनके वाले साहब के लिए खुद खुशी दुआ कीजिएगा और ताकि अल्लाह पाक इनके वर्षा को सब अता फरमाए और अल्लाह पाक सलो फरमाए इनको और हमारे जो दोस्त को भी, इनको भी सफलता फरमाए और इनके वाले साहब को जन्नत फरदौस में जग आला मकाम अता फरमाए और इनके चाचों को भी अल्लाह पाक इनके बुकल फरमाए। तो व्यूअर आप सब दोस्तों से ये तो सोरे से है तो आज सैड व्लॉग है, मैंने कहा इधर से स्टार्ट किए आगे बैठे हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आप लोगों ने मेरे दोस्त की खसूसी दुआ करनी है, अल्लाह पाक इनके वाले साहब को जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए और इनके वर्षा को और इनको सबको सब्र जमील अता फरमाए। बड़ी सैड बात होती है, वैसे बड़ा मुश्किल होता है खासकर प्रदेश में रह के। और ये वाली जो खासकर बहुत वालदैन का बहुत बड़ा रुतबा होता है, उनके चले जाना उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन चलो हम सब मिल के उनके लिए दुआ कर सकते हैं। बस अल्लाह पाक इनको सब्र अता फरमाए और उनकी मफ़रत फरमाए, अल्लाह पाक इनको जन्नत में बुलंद दर्जा अता फरमाए। आमीन सुमान। बकर भाई थैंक यू जी, बस अल्लाह पाक हम तो दुआ ही कर सकते हैं, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक आसानियाँ करे, अल्लाह पाक खैरियत करे, क्योंकि हकीकत बात है उनके रिश्ता जो वालदैन का रिश्ता है या माँ बाप का रिश्ता है उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है, ठीक नहीं। तो बहरहाल कि हम सब की दुआ है और मेरे व्यूवर की भी दुआ है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे और आपके वालदैन की और आपके चाचों की मगफ़रत फरमाए। दूसरा जो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि यार कि चलो आज बाहर निकले हैं तो इनको खाने का भी उनके साथ चलो डिनर करने, मैं कहीं डिनर भी कर लेते हैं उनके साथ, डिनर भी करते हैं भी याद रखिए जी। गुरु बस साथ साथ अपने खाना तो मसला खाते हैं, थैंक यू। खाना हमारा आ गया, जी बस अब हम खाना स्टार्ट करने लगे। खाना तो खा नहीं रहते वैसे, कभी परेशान थे, मैंने कहा यार कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, खाने से दुश्मनी तो नहीं है ना, सब खाना खाते हैं। चलो जी वो बकर मैं शुरू करते हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। बस अपने पैसे दे दिए जनाब और अभी बकाया लेते हैं और फिर उसके बाद हम चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कितना 21 था ना, 25 दिए, 25 दिया था और उसके लिए मैं चलो हम रोटी ले लें। तो ये
तंदूर से हम रोटी ले रहे हैं माशाल्लाह। जहाँ थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ये देखिए रोटी बन गई, ये माशाल्लाह ये देखें ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म रोटी, ज़बरदस्त। हमारे पाकिस्तान में तंदूर कैसे हैं और यहाँ के कैसे हैं ये देख लें आपको। क्यों आपको ये भी दिखा दिया, मैंने कहा चलो जाते जाते सर हमें इफ्तारी सुबह सैरी करनी है, सैरी के लिए रोटी वगैरह ले। ये रोटी हमारी पैक हो रही है जनाब, ये रोटी हम लेनी है, खा लिया हमने खाना खा के और अभी रोटी भी ले ली है। और रोटी वगैरह लेने के बाद अभी ये अबूबकर भाई हमारे आए हैं, वो थोड़े से एडमिशन में पैसे लेने थे, तो मैंने कहा चलो आप ले ले, तो चलो आप पैसे ले लें। आ रहे हैं जी माशाल्लाह, चलो जी पैसे इनको मिल गए जी। बस पैसे हमने ले लिए हैं और बस अब हम वापसी का सफर इख्तियार करते हैं व्यूवर से। बस थोड़ा सा ये हमने कहा चलो आज खाना भी, और एक दोस्त आगे भी हमारे आ रहे हैं काफ़ी सारे राशि भी लोग बैठे हुए हैं, और एक और हमारे दोस्त जो है वो बड़े प्यारे भाई में मिल गए जनाब। अनीस भाई सलाम अलैकुम, मैंने आपको फिर कैमरे की आँख से पकड़ लिया है। कहाँ तक भागोगे, मैं आके कैमरे की आँख से सबूत के तौर पर पकड़े ताकि हमारे व्यूवर भी देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग है, ठीक ठाक और सुनाए ठीक है, किधर घूम रहे हैं जी चोरी चोरी? अस्सलाम वालेकुम जी, बस हमें दही भी साथ लेना था, किसके लिए जी? सुबह सहरी के लिए, तो बस भी बड़े चलते हैं और काफ़ी सारा और हमने थोड़ा सा सामान वगैरह ले लिया सारी के लिए, और अभी हम चलते हैं और वीडियो का यहीं पे एंड करूँगा। और सब व्यूअर व्लॉग में याद रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।